हेलो स्टूडेंट, तो ये इस वीडियो में मैं आज जो है जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस है 2007 से लेकर के 2018 के, उनका एक डिस्कशन करूंगा। तो इसको मैंने जो है क्लास 11th और क्लास 12th की दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और क्लास 11th में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले करेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के ऑर्डर में हम चलेंगे। और फिर उसके बाद में जो है क्लास 12th के जो वेरियस टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस का जो है हम एक रिवीजन टाइप का करेंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना है और कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में और एक पैटर्न ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कौन सा जो आइडिया है कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा 2007 से लेकर के 2018 के जो एग्जामिनेशन हैं एडवांस एग्जामिनेशन इनके क्वेश्चंस का हम एक रिवीजन करेंगे। तो अभी इस सेशन के अंदर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का ऑलरेडी एक डिस्कशन हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेशन है उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देखते हैं, सो 2007 से 2018 के जो वेरियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए और जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं को लिया है और ऑफिशियल आंसर्स ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, सिलेबस जो है आपका बड़ा सिंपल है, एडवांस के अंदर सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं तो आपका थोड़ा लोड कम हो जाएगा, बिल्कुल प्रिसाइज जो है, और ये बहुत कम डेविएट हुआ अभी तक। मैंने सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, डेविएशन अगर हम ट्रेस करते हैं तो उसमें नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मतलब जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है किसी कॉन्सेप्ट्स में वो बढ़ता जाता है, लेकिन कोई आउट ऑफ सिलेबस जो है वो रेयरली कभी कोई क्वेश्चन आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एक टॉपिक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का है, शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस का ये पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू टू एसिमेट्रिक सेंटर्स। देखिए हम क्लास में मतलब कितना पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू टू एसिमेट्रिक सेंटर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें एक दो बार जो है वो डेविएशन हुआ है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आर एंड आर एस एंड ई जेड नॉमेनक्लेचर जो है वो एक्सक्लूडेड है, बहुत ईजी हो गया। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली हाइड्रोकार्बन्स मोनोफंक्शनल एंड बाईफंक्शनल कंपाउंड्स टाइप की कैटेगरीज है, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन सिर्फ इथेन और ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स हैं, और या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कन्फॉर्मर्स हम को डिस्कस करने हैं, सिलेबस का पार्ट है, और इन कन्फॉर्मर्स को डिस्कस करते समय न्यूमैन प्रोजेक्शंस को कंसिडर करना है, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और भी पॉसिबिलिटीज है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एक पार्ट है सिलेबस का, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसके अंदर आ रहा है ये जो फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स है। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें सिलेबस सजेस्ट कर रहा है कि हमें सिर्फ कंबशन मेथड को कंसिडर करना है। ये वही पार्ट है जो आपने क्लास 11th के अंदर जो जेलडाल मेथड्स और ये इस टाइप के जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट है उसके अंदर जो वेरियस टेक्निक्स दे रखी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डेफिनेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहता है, और जो वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा वो ये एक हमारा पार्ट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट्स का जो इफेक्ट है ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेसिस, ये एक इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। पोलैरिटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स इन अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक एंड हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेजेस। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होगा तो मेनली फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होगा तो ये कार्बोकेटाइन्स कार्बेनाइन टाइप के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमें देखना है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन्स के लिए कार्बेनाइन्स के लिए एंड फ्री रेडिकल्स के लिए ये हमें देखना है।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सिलेबस के अंदर हमारे पास में और क्या है. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और मेनली यहाँ पे जो है फोकस रहेगा नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का जो डिटेक्शन है, इनके जो क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड्स है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आ सकता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सिलेबस का, उसके अंदर जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो उसके अंदर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स है. सो होमोलोगस सीरीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेनली मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी का डिस्कशन हो रहा है. क्वेश्चंस वगैरह जो है अक्सर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स पर. बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. कंबेशन ऑफ हेलोजन, कंबेशन एंड हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स ए इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात हो रही है. एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाई वुड्स रिएक्शन एंड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. देखिए कितना ईजी सिलेबस है. प्रिपरेशन के अंदर सिर्फ ये जो है वो वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहा है एल्केन की प्रिपरेशन के अंदर. तो आप इन मेन मेन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से अपने क्लास नोट से रिवाइज कर सकते हो. जो वीएमसी का जो कंटेंट है, मॉड्यूल है, उससे आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, तो मेन फोकस जो है हमारा, मेन रिवीजन जो है वो इन सब पार्ट्स पे रहना चाहिए जो सिलेबस के अंदर हमारा है. ठीक है, फिर देखिए जो हाइड्रोकार्बन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. सो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के अंदर स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी है. एरोमेटिसिटी पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स का. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शंस जो है डिस्कस करनी होती है. इफेक्ट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो देखिए हम दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा करके रिएक्शंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तीन सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जो ऐसी रिएक्शंस है उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रैक्टिस करते हैं. बट सिलेबस सजेस्ट कर रहा है हमें कि हमें जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं इनमें जो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे उनका क्या इफेक्ट होगा, इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस जनरली मिलते हैं. और फिर देखिएगा हमारे पास में सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स जो मिलेगा हमें. तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, तो यहाँ पे एल्कीन्स और एल्काइन्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स है. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट्स है एंड डेंसिटी है, डाइपोल मोमेंट्स है. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इसमें. डाइपोल मोमेंट्स पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पास्ट एग्जामिनेशन में मिलेंगे यहाँ पे. तो ये जो है डाइपोल मोमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. फिर एसिडिटी ऑफ एल्काइन्स है. टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर. एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन एंड एलिमिनेशन. हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर जो एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं. और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बेसिकली आए हुए हैं एग्जाम में जिनमें एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को यूज किया गया. तो यहाँ पे एक ये डेविएशन है सिलेबस के अकॉर्डिंग. ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग दी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन एलिमिनेशन, बट यहाँ पे अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए. तो ये बेसिकली ये एक मेजर पार्ट है सिलेबस का जिसमें डेविएशन है. सो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन विद केमेनोफोर एंड ओजोन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन विद X2, HX, HOX एंड H2O. एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन्स एंड जो मेटल एसिटिलाइड्स हैं इनको हमें स्टडी करना है. तो ये हमारा जो है हाइड्रोकार्बन 11th क्लास में जो है यही हमारा सिलेबस होता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. तो ये देखिए 2007 एग्जामिनेशन पेपर 1 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में ये एक जो है एक अमाइड है. इस अमाइड का हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है. तो इस टाइप की रिएक्शन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास में कौन सी बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेटेड है. ठीक है, जिस बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा यही एक्टिवेटिंग रिंग होगी. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिंग है इस रिंग को अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर से ये एक्टिवेट हो रही है. तो ये एक्टिवेटेड रिंग है. और जो राइट हैंड साइड में जो रिंग है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के, ये डीएक्टिवेटेड रिंग है क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है.
और नाइट्रोजन का जो है वो इलेक्ट्रो रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो रिंग है ये एक्टिवेटेड रिंग है. अब इस रिंग पर जो भी हम ग्रुप अटैक करेंगे वो यहाँ पे इस रिएजेंट से नाइट्रेशन के थ्रू आएगा, और नाइट्रेशन के समय में NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बेंजीन रिंग पर जाकर के अटैक करेगा. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बेंजीन रिंग कौन सी होगी. बेंजीन रिंग जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पे. चलिए अब यहाँ पे इसके अंदर हमें देखना है कि कहाँ पे जाएगा. तो ये जो भी सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है नाइट्रोजन, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जब किसी भी एटम के पास जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसके पास अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा. ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि मेजर अटैक होगा. तो ये दोनों ऑर्थो पोजिशंस आइडेंटिकल है और पैरा पोजिशंस. ऑर्थो और पैरा में से अगर हम देखते हैं तो स्टेरिक रीजन की वजह से पैरा पोजिशंस जो है वो ज्यादा फेवरेबल पोजिशंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन के लिए ऑर्थो पोजिशंस के रेस्पेक्ट में. तो अब हमें जो प्रोडक्ट ढूंढना है वो ढूंढना है कि इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप अटैच रहेगा और वो इस बेंजीन रिंग पर अटैच रहेगा और इस बेंजीन रिंग में ये इस पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा. तो देखिए ए ऑप्शन को अगर आप देखते हो तो ये इस डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर रिएक्शन करा दी, सही पोजिशन पर कराए, लेकिन एक्टिवेटेड बेंजीन और डीएक्टिवेटेड बेंजीन दोनों ही अगर होगी तो एक्टिवेटेड बेंजीन पर ही रिएक्शन होगी, डीएक्टिवेटेड पर नहीं होगा. तो ऑप्शन ए जो है हमारा एक टाइप से माइनर टाइप का प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, बहुत लीस्ट अमाउंट में बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा. और यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे. और सिमिलरली ये NH जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसकी मेटा पोजिशंस पे तो अटैक नहीं होगा. तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, वो ऑप्शन बी के अंदर है. अब हम देख लेते हैं कि इसका जो हमारा ऑफिशियल आंसर है वो क्या है. तो ऑफिशियल आंसर इसका सजेस्ट कर रहा है वो आंसर बी है. तो ये 2007 में पेपर वन में एक क्वेश्चन आया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पर बेस्ड. नाउ अब ये हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये एक विशनल डाइब्रोमाइड गिवन है और इस विशनल डाइब्रोमाइड को किसी एक अननोन रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं. हमें ये रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है और फिर इस रिएजेंट से ये हमारा प्रोडक्ट जो बन गया इथाइन का फॉर्मेशन हो गया. तो देखिए विशनल डाइब्रोमाइड को इथाइन में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्लियर कट मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, हमें इलिमिनेशन कराना है यहाँ पे. और इलिमिनेशन जो है वो दो स्टेप्स में इलिमिनेशन कंप्लीट होगा, एक स्टेप में भी नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेप में एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन का लॉस होगा. तो हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, दो पाई बॉन्ड बनाना है, तो दो स्टेप में इलिमिनेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे. तो अब यहाँ पे जो वेरियस रिएजेंट्स हैं इनको अगर हम देखते हैं तो देखिए एल्कोहलिक KOH जो है दैट इज सुटेबल रिएजेंट फॉर इलिमिनेशन ऑफ हैलाइड्स. जो स्पेशली एल्काइल हैलाइड्स होता है उनको एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो इलिमिनेशन बन जाता है. लेकिन एल्कोहलिक KOH जो होता है वो बेसिकली वन स्टेप इलिमिनेशन कराता है. तो इस विशनल डाइब्रोमाइड से वन स्टेप इलिमिनेशन जब होगा तो एक विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड होगा. और जब हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन दोनों में बहुत मुश्किल से ये पार्टिसिपेट करते हैं. रिएक्शन तो होएगी बट जन नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन के अंदर जो विशनल ये विनाइल डाइब्रोमाइड्स हैं या एराइल विनाइल ब्रोमाइड्स या एराइल ब्रोमाइड्स है, इसमें इलिमिनेशन डिफिकल्ट होता है. तो एल्कोहलिक KOH जो है वो फर्स्ट स्टेप इलिमिनेशन करा देगा, सेकेंड स्टेप इलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा. Now, अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2. NaNH2 जब भी किसी ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, रिमेंबर हमेशा ही इलिमिनेशन होगा, हमेशा ही इलिमिनेशन होगा. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, ठीक है. तो ये इलिमिनेशन ही करा पाएगा. तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो गया. फर्स्ट स्टेप में एल्कोहलिक KOH जो है वो इस विशनल डाइब्रोमाइड को एक विनाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करेगा और विनाइल ब्रोमाइड को जब हम NaNH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें फर्दर इलिमिनेशन होकर के एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक्वस KOH आ गया. एक्वस KOH जो है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के लिए एक सुटेबल रिएजेंट होता है. ये जो है ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एक विशनल डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इस विशनल डायोल को आप NaNH2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो अगेन NaNH2 जो है वो एक स्ट्रांग बेस का काम करता है, H प्लस रिमूव करने का काम करेगा. तो जो OH वाला जो H है वो रिमूव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और उससे जो है हमारा
एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं होगा. और जिंक और मिथेनॉल को अगर हम देखेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. किसी विशनल डाइब्रोमाइड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो डीब्रोमिनेशन हो जाता है या डीहेलोजिनेशन हो जाता है और इसे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिल रहा है और वो है ऑप्शन बी. इस विशनल डाइब्रोमाइड को पहले एल्कोहलिक एओएच के साथ रिएक्ट कराएंगे और फिर NnH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आप देख लेते हैं हम कि हमारा जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या है. ये 2007 पेपर वन का ही क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, सेम ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो ऑफिशियल आंसर जो है हमारा वही बी आंसर है, यही हमने प्रेडिक्ट किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन 2007 पेपर वन से ही आ रहा है. नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14, C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं. मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग इनके स्ट्रक्चर्स बना करके एक बार देख लीजिए कितने होते हैं. बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो अगर आपके पास में जैसे मीथेन है तो उसका एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होगा. इथेन के अंदर एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होगा C2H6 के अंदर. और अगर हमारे पास में प्रोपेन है C3H8 तो उसमें भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा. ब्यूटेन से फर्स्ट टाइम जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी होती है एक एल्केन के अंदर. ये जो फॉर्मूला है C6H14 ये भी सजेस्ट कर रहा है कि एक एल्केन ही है. तो यहाँ पर जो है C6H14 को अगर हम देखेंगे तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं. तो मैंने बताया था कि आप स्ट्रक्चर्स बना कर रखिए और जस्ट ध्यान रखिए कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप उनको टिक कर सकते हैं. यू कैन सेव सम टाइम और इस टाइम को किसी और जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप का क्वेश्चन अगर है तो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ब्यूटेन के जो है वो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. जो पेंटेन है हमारे पास में उसके तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और ये जो हेक्सेन है इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं. और अप टू हेक्सेन आपको अगर इनके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं होंगे. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, उसमें डिफाइन नहीं होता है कि हमें स्ट्रक्चरल कंसिडर करना है या स्टीरियो कंसिडर करना है या क्या करना है. तो जब कुछ डिफाइन नहीं होता है और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को हमें कंसिडर करना हो तो वी हैव टू ऑलवेज इंक्लूड दी स्टीरियो आइसोमर. तो यहाँ पे तो क्लियर है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यूज करने हैं. तो मैं ये बता रहा था कि जो 6 कार्बन की एक एल्केन है हेक्सेन तक कोई भी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की कैटेगरी होती है. टोटल नंबर में कन्फॉर्मर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इंक्लूड करेंगे. और जो हमारे पास में एक ओपन चेन एल्केन है उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा. साइक्लो एल्केन के अंदर, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल होते हैं. तो ये यहाँ पर हेक्सेन है, हेक्सेन के जो है टोटल 5 स्टीरियो आइसोमर्स ही होंगे. हेप्टेन के अगर आप देखोगे तो टोटल 9 आइसोमर्स होते हैं, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. और उसके अंदर स्टीरियो को अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो टोटल 11 आइसोमर्स हो जाएंगे. तो आप ड्रॉ करके देखना हेप्टेन के कितने आइसोमर्स होते हैं. ऐसे ही ऑक्टेन के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल 18 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं ऑक्टेन के लिए, ठीक है. और नॉनेन के लिए अगर हम देखेंगे तो 35 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं. और डेकेन के अगर हम देखेंगे तो 75 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं. ये सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. तो ये मैंने ड्रॉ करके एक फिगर बना रखा है, आप भी लर्न कर सकते हैं उसके लिए. तो अगेन मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ. ब्यूटेन के लिए 2 ही आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के लिए 3 आइसोमर्स होंगे, हेक्सेन के लिए 5 आइसोमर्स होंगे, हेप्टेन के लिए 9, ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता रहा हूँ, 9, हेप्टेन के लिए 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, डेकेन के लिए, ऑक्टेन के लिए 18 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और नॉनेन के लिए 35 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और डेकेन के लिए 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे. तो ये जस्ट आप ड्रॉ कर रहा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इनको. जस्ट आई नो कि C6H14 के जो है टोटल, क्लास में हमने अक्सर किया होगा, आप अपनी क्लास कॉपी खोल के देखिए आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन गए भाई C6H14 के टोटल कितने आइसोमर्स हैं, ठीक है जी. तो इसका आंसर जो है हमारा एक्सपेक्टेड है वो आंसर सी एक्सपेक्टेड है. तो आप देख सकते हैं कि सी के अंदर जो है 5 गिवन है. तो हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या है. ऑफिशियल आंसर भी जो है सी बता रहा है सी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. पहले जो है एडवांस में भी ये जो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते थे. तो इन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है इनको अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में जस्ट जो OH ग्रुप की पोजिशन है
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो डिफर कर रही है. तो एक के अंदर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट पोजीशंस पे OH लगा हुआ है और दूसरे के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो अपोजिट पोजीशंस पैरा पोजीशंस पे जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है. तो यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशंस पे OH ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी. और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो ये कह रहा है कि पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट. नहीं, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे, इससे जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो हायर वैल्यू होगी. सो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि इसके अंदर करेक्शन अगर हम करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा पैराहाइड्रोक्सी एसिड हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. नाउ अब यहां पर स्टेटमेंट टू को देखेंगे तो वो कह रहा है कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट वन फॉल्स स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. ऐसे केसेस में ऑप्शन डी को हम करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा. आप ऑफिशियल आंसर को चेक करेंगे, देखते हैं क्या है. ये है ऑप्शन नंबर डी. तो ये करेक्ट है, बड़ा इजी क्वेश्चन है. तो सिलेबस को अगेन देखिए आप, मैंने बताया था कि उसमें सिलेबस में लिखा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स जो है इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है. स्ट्रक्चरल फीचर्स भी इसमें इंक्लूड हो रखे हैं. तो अगेन देखिए कि मैंने जैसे बताया था कि 90% केसेस के अंदर एग्जामिनर जो है वो सिलेबस को कंसीडर कर रहा है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है. कुछ केसेस के अंदर उसने जस्ट सिलेबस को डिवेट किया और उसमें जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप के क्वेश्चन को यूज किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज. ये एक कोई भी हमारे पास में अनसेचुरेटेड नाइट्रो एल्केन है. इस अनसेचुरेटेड नाइट्रो एल्केन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है. तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. स्ट्रक्चर बी के अंदर भी ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. स्ट्रक्चर सी में भी ये वाला जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. स्ट्रक्चर डी के अंदर भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो सबके अंदर एक कार्बन तो ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और किसी के अंदर अगर एक एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो उनकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होती है. बट अब इनमें से हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. सो मोस्ट ऑफ देम आर लेस स्टेबल. बट इसके अंदर आप स्ट्रक्चर वन को अगर देखेंगे, एक ऑप्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो एडजेसेंट पोजीशंस पे लाइक चार्जेस. तो ये जो वेरियस रूल्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, उसमें एक रूल ये कहता है कि एडजेसेंट पोजीशंस पे लाइक चार्जेस अगर है तो वो एक लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस. तो लाइक चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे. और किसी भी स्ट्रक्चर में एडजेसेंट पोजीशंस पे लाइक चार्जेस नहीं है. ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस आ रहा है. यहाँ पे ऑब्वियसली चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया है, बट ये जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एडजेसेंट पोजीशंस पे लाइक चार्जेस है, ये इसको लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाना है. तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए होगा. लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस गिवन कंपाउंड इज ए. तो ऑफिशियल आंसर को हम चेक कर लेते हैं, ये ए आ गया. तो अभी ये 2007 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ये पेपर टू आ गया हमारे पास में. ठीक है जी, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. आप अगेन देखेंगे तो उसके अंदर जो है सिलेबस के अंदर रेजोनेंस और इसकी एप्लीकेशन या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मेंशन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अगेन स्टेटमेंट पर बेस्ड है और ये भी 2007 के पेपर टू से आ रहा है. इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर काइरल. ठीक है, काइरल का मतलब हो गया कि एक ऐसा कंपाउंड जिसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी. कोई भी कंपाउंड अगर डिसिमेट्रिक है, उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, स्पेशली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर हम कंसिडर करते हैं, सो एनी कंपाउंड
having absence of both plane of symmetry as well as center of symmetry is called as chiral compound. तो और जो chiral compounds होते हैं वो अपनी mirror image पे superimpose नहीं हो सकते हैं. So molecule that are not superimposable on their mirror images are chiral compound. तो ये जो statement है हमारा वो true statement है, ठीक है. अच्छा, अब स्टेटमेंट टू ये कह रहा है. अब अगर हम सपोज हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट वन है वो ट्रू क्यों है, उसका क्या रीजन है, तो हम ये कहेंगे कि द कॉज ऑफ काइरलिटी इन द मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्री. एंड डिसिमेट्री का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है. नाउ डिसिमेट्री के लिए बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है. उसमें से एक कॉज है प्रेजेंस ऑफ काइरल सेंटर. ऑल chiral all compounds having chiral centers may or may not be chiral. तो यहाँ पे statement 2 कह रहा है all chiral molecules have chiral center. This is not necessary. ये statement 2 जो है वो false statement है, ये true statement नहीं है. So molecules that are not superimposable on their mirror images are chiral, ये एक true statement है. But statement 2 saying that like all chiral molecules have chiral center, ये false statement है. तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट टू के अंदर, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सपोज हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्यूमुलेटेड डाइन का, तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको क्लियर कर लेंगे ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है. तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एक क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, इस क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड के अंदर जो है ये दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट प्लेन के अंदर है. तो हम इसका एक स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कार्बन और इससे बॉन्डेड नेक्स्ट कार्बन, ये तीनों कार्बन जो है वो एक प्लेन में रहेंगे और इस कार्बन के ये दो सिग्मा बॉन्ड जो है ये भी एक ही प्लेन में रहेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन एटम है ये भी एक ही प्लेन में रहेंगे, ये सब जो है वो इसी बोर्ड के प्लेन के अंदर है. बट यहाँ पे इस कार्बन के ये जो ग्रुप्स होंगे वो बोर्ड के प्लेन से बाहर होंगे, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है. और यहाँ पर जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और ये वाला जो है वो अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है. तो यहाँ पर अगर मैं सी एस थ्री प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे एच प्लेस कर देता हूँ, तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कहीं पे भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है. इस मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. और सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से हमें आइडेंटिकल ग्रुप्स भी इसके अंदर नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, नो काइरल सेंटर. बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज काइरल मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज काइरल मॉलिक्यूल. तो दिस मॉलिक्यूल इज काइरल मॉलिक्यूल. तो ये हमारा जो है इस स्टेटमेंट टू को सपोर्ट कर रहा है कि ऑल काइरल मॉलिक्यूल्स हैव काइरल सेंटर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो ये इस टाइप से एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग हो गई यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा डेविएट कर गया. हमने सिलेबस को देखा था, उसके अंदर लिखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैविंग टू काइरल सेंटर, ठीक है. तो जस्ट एक हमारी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जो अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता एग्जामिनर, कि उन्हें लिख दिया कि काइरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करनी है, बट आपको है ही नहीं. तो क्लास में देखिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है इसी चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, बट मेन फोकस जो है हमें उसी पे रखना है. थोड़ा सा डेविएशन आएगा बट बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा. अब इसका हम ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं. हमारा आंसर जो था कि स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है. तो ऐसे केसेस में सी ऑप्शन जो है करेक्ट बनता है और ये ऑफिशियल आंसर जो है यहाँ पे हमें सी नजर आ रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये 2007 का पेपर टू जो है उस पर बेस्ड है और ये कुछ थोड़ा इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है. तो ये बेसिकली जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं उसके अंदर थोड़ा इनऑर्गेनिक टाइप का जो है कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उसी पर बेस्ड है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद आयरन टू सल्फेट एंड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स अप्रेशन ब्लू प्रेसिपिटेट.
द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रश्न ब्लू प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. क्लास में अक्सर आपको कहा जाता है कि यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज प्रशियन ब्लू. तो मैं जैसे क्लास में बताता हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है जिसमें जो है हमारे पास में प्रशियन ब्लू के अंदर ये जो 463 के ऑर्डर के अंदर जो है आपको कुछ मिलेगा. तो 463 जो है किस ऑप्शन के अंदर है ये देखिए यहाँ पे. ठीक है, हो सकता है कि आपको नहीं पता है कि ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एनिलीन का कैसे बनेगा, आयरन टू सल्फेट के साथ रिएक्ट कराने से क्या होगा एयर की प्रेजेंस में, बट यू नो प्रशियन ब्लू क्या होता है. तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इसको एक इनोवेटिव वे के फॉर्म में एग्जामिनर ने प्रेजेंट किया है. ठीक है, वो कुछ कुछ कहानी बना दी उसने, बट मेन एम है वो आपसे ये जानना चाहता है कि व्हाट इज प्रशियन ब्लू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रशियन ब्लू. तो 463 जिसमें भी आपको मिलेगा वो प्रशियन ब्लू है. तो देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है, इस ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 4, ये 6 और ये 3 है. ठीक है, बी ऑप्शन में देखोगे तो ये 362 है, और सी ऑप्शन को देखोगे तो 462 है, और डी ऑप्शन को देखेंगे तो 363 है यहाँ पे. सो अगेन प्लीज रिमेम्बर कि प्रशियन ब्लू जो होता है वो बेसिकली फेरी फेरोसाइनाइड होता है. फेरी फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला होगा इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ वेरियस टाइप के एटम्स एंड ग्रुप्स जो होंगे उनका जो सबस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं नंबर को इंडिकेट करने के लिए वो 463 की फॉर्म में मिलता है. इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है. तो क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि हमने जो है एनिलीन लिया है और इस एनिलीन का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है प्रिपेयर किया है. तो एनिलीन यू नो दैट कि ये C6H5NH2 होता है, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसको सोडियम मेटल के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास में जितना भी कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो सारा सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये नाइट्रोजन का जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसका ये है. अब इस सोडियम साइनाइड के साथ हमने मिक्स किया है, ठीक है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन. फेरस सल्फेट का सोल्यूशन हमने मिक्स कर लिया है, ट्रीटेड विद आयरन टू सल्फेट एंड H2SO4. तो H2SO4 भी डाल दिया है. अगर एक्सेस में सोडियम अगर होगा तो वो एल्कली में कन्वर्ट हो गया है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और इसके बाद में ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ एयर ये सारा काम हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इससे प्रोड्यूस होगा प्रशियन ब्लू. तो इसके अंदर यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास में सोडियम साइनाइड और फेरस सल्फेट जो है इसके इंट्रेक्शन से क्या होगा. सोडियम साइनाइड और फेरस सल्फेट के इंट्रेक्शन से एक कंपाउंड बनेगा, और ये जो कंपाउंड होगा Na4Fe(CN)6 हो जाएगा. यू नो दैट साइनो इज अ वेरी गुड लिगेंड, तो ये किसी भी मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है. और इसके अंदर जो हमारा आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. और साइमल्टेनियसली ये जो फेरस सल्फेट है वो एयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा. मतलब ये फेरस सल्फेट इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये फेरस सल्फेट एयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है. फेरस सल्फेट जब एयर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइज. इसीलिए यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है. सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इजीली फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन हो सकता है. यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. तो अब ये जो पोटे सोडियम फेरोसाइनाइड जो प्रोड्यूस हुआ है ये फेरिक आयन के साथ कंबाइन करेगा, और फेरिक आयन के साथ कंबाइन करके एक न्यू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स होगा Fe4Fe(CN)6 होल थ्राइज. तो यहां पर ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयरन प्रेजेंट है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. तो ये 463 की फॉर्म में आपको याद रखना है कि प्रशियन ब्लू जो है वो क्या होता है. इसको आप और अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने क्लास नोट से रिवाइज करना है कि प्रशियन ब्लू के जो वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं इसके लिए. तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया. अब इसका हम ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं, और हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पे जो ऑफिशियल आंसर है वो आंसर ए आना चाहिए. तो ये जो है आंसर ए आ गया. सो 2007 का ये क्वेश्चन नंबर 38 हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं.